अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डेडलाइन सिंध संगत मां है इम्तियाज मीर। अदलिया ए गवर्नमेंट जी छिक तान पंजे उरूज ते आई आ। बदना में जमाना ऑर्डिनेंस एनआरओ जदे खां एनआरओ आयो उन खां पो 16 दिसंबर 2009 ते चीफ जस्टिस उनके गैर आइनी ए गैर कानूनी करार दिनो। एक वजीर आजम घर वनी चुको आ, बे जो तैयारियां थी रही हुई। इन सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट की जिद ए सुप्रीम कोर्ट जो चवण इम्प्लीमेंट जरूर कराइंदे। ऑप्शन ब इस्तेमाल थी चुको है, हाँ जी सुप्रीम कोर्ट चे थी वो आइन ही ना है। वफाक जो चिट्टो ए खुथो जवाब त अस खत सुप्रीम कोर्ट के न लिखदे। सब पोलिटिकल पार्टीज पांजी पोजिशनिंग कर रही हैं अगते इक्तदार के लिए कड़ी पार्टियों असें सूट कर मुल्क के अंदर एक नो स्टार्ट खुशखबरी भत्ता खोरन के लिए या आवाम के लिए एनपी और एमक्यूएम की मुलाकात। इन मुलाकात से कराची के मानू के अमुन मिलद या गोलियों मिलद। अदलिया की छिकतान त वन मानून की रांद रही आ। अवाम जा मसला हल केर कंदो? वोट अवाम खां मकसद पंजो जाती कुर्सी इक्तदार अवामी मसला हल कोन था थन। अवाम बेयारो मददगार आ। हिनन हुकुमरानन खां एक डी अवाम जरूर पुछंदो त असा तहां के मैंडेट दिनो से तहां असा जो हाल छा कियो आ तहां जे सामा। इन ते गलाय ला पंजे स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब अहमदाद चांडो साहब के मुस्लिम नून जा अगवान आइन उन सा गर फिदा हुसैन ढक्कन साहब आइन पीपी अगवानन स तहां के वेलकम चऊ था पंजे प्रोग्राम। थैंक यू। हुकूमत और अदलिया जी छिकतान अवामी मसला हल केर थिंदो? छिकतान त हले थी, बिजली ना है, महंगाई आ, रोड रस्ता अगवा कत्ल धाड़ा दहशतगर्दियों तहां जे सामा। साईं मुंजा कोर्ट जो मसलो तो पैं जायत है, पर बुनियादी जो मसलन हल कर जिम्मेदारी सा गवर्नमेंट की जैसे उनके परवाह ही कान्ह। तब अग में चो बदनामी जमाना एनआरओ सजी दुनिया के बदनामी जमाना है। इन मल्ल तीन कोर्ट आराम से इनके जो सो कोशिश कह कें कें तरीके से यो मसलो हल थे, पर सरकार तय कर मसलो हल थे या स्विस अदालत ने खत लिखे मसलो हल कर हल लियो हल सही त खत लिखो सही पर खत लिखण ला गवर्नमेंट तैयार कला तैयार कोने। एड़ा एड़ा जे के बान था पा गोलन हिम्मत पीपल्स पार्टी तय कर चुका कै भी सूरत में खत न लिखन दी चाहे आखरी एमएनए तई जो का कुर्बान करना पे। मां समझा तो त यो मसलो हल कोने या जे कर पीपल्स पार्टी नॉन इश्यूज में सजी कौम फसाए वही रही एक मानू के बचाने ला जे सजी असेंबली सजी पीपल्स पार्टी कुर्बान कर तैयार आ तो मसला कि समझा तो मसलो हल यो तो फौरी तौर से कोर्ट के हुक्म से अमल कर पान अग में चो ऑप्शन टू इस्तेमाल नो करो कड़ी लॉजिक आ सही अटॉर्नी जनरल चे तो इरफान कादर साहब चे तो ऑप्शन 2 इस्तेमाल थी चुको है। माफ का हे ई या त एक मानु के जेकर कह के चोरी में सजा थी दिकड़ मानु के तवा बे मानु के ता चोरी में सजा न था दे सको छो जो एकरे चोर की सजा या त न करे बे चोर के ता सजा न था दे तो यो त लॉजिक ही कोनी गाल के त जेको आ तो कह भी तरीके दा मकसद यो आ त कन्फ्रंटेशन पूरी क्यों पीपल्स पार्टी हर टाइम ते होता जन असा पाजो टर्म पूरो कदा से 5 साल उनके न मसलन से दिलचस्पी न आवाम से दिलचस्पी कें भी शह पर पीपी चे थी सियासी मैदान में असा ना विड़ो कोर्ट के पोया वेही कर जंग कर नून लीग केर तो विड़े नून लीग दिसो मुझा सही हे कोर्ट के पोयो विचार हर पिटीशन ता उते खड़ी आ अर्ज जो अर्ज का सवाल यो आ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट आ ये जज असा नामजद कोन कहा ये जज तबर आ नामजद तेकर जो आइनी मुश्किल या मुंझार थन यो सुप्रीम कोर्ट जो अख्तियार आसा जो उत खी तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट आ का इंडियन सुप्रीम कोर्ट को जो पीपल्स पार्टी बाकी जैस तीन सियासी मुकाबले की गाल पीपल्स पार्टी हमें जरदारी ग्रुप आ पीपल्स पार्टी आ ही को सियासी मुकाबलो कैसा क्यों सियासी जी शख्सियत जी पार्टी सा जरदारी साहब की मेहरबानी से पार्टी खत्म थी चुकी आई इन्हीं कातिल लीग जो अजको अजकल नायब वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी जैं बारे पा चवंदा कातिल लीग आ जैसे मोहतरमा लिखो तो जैसे सुबह को भी नुकसान थे चौधरी जहूर लाई और चौधरी चौधरी परवेज लाई चौधरी ये जिम्मेदार तेरे पीपल्स पार्टी रही को चाचा साहब जैसे तुम चो था पीपल्स पार्टी न रही पीपी जो वजूद न रो
2008 में जरदारी साहब के चवण से इलेक्शन लड़ी छो जरदारी लीग हुई जैसे तहां सा गड होया तो पीपी हुई जैसे हाँ तहां सा गड ना तो जरदारी लीग अर्ज क्या तो 2008 में भी सूरत हाली जरदारी साहब को यकीन हो मोहतरमा की पार्टी साहब मोहतरमा की पार्टी पर मोहतरमा के मरण का जरदारी साहब आयो मुझी पूरी गुजारिश हुई असाजे जेन में यही गाल हुई तो जेके मोहतरमा वायदा वायदा इकरार जेके हैं उनते स्टैंड कदा असा की या खबर कोनी तो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान हे अचर कंदो जरदारी साहब सही 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 तहां जेके चैन टाइम त या पी जेको जरदारी लीग आ पीपी आ ही कोना असली जमात उआ ना है पर हे तहां सा गड इलेक्शन भी लड्या तहां जी कारकर्दगी जेके मायूस कोना है तहां जी इदारन सा भी छिकत आने तहां सियासी शहीद बनण जी कोशिश कियो ता जे हमदर्दी जो वोट अगते वठो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेहरबानी अमीर साहब चांडिया साहब जी जेकी एनालिसिस हुई या जेको मौकुफ हुयो यकीन तौर ते हुन जो पांजी जाती राय आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी तारीख रही है जड़े भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोड़ो महाज जुड़ो है तो वक्तन ब वक्तन कोड़ सारा इल्ज़ाम लगान पीपल्स पार्टी के मथा अल्लाह जो शुक्र है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब ते कदम रही है जेस तई क़यादत जो मसलो है तो बेनजीर साहिबा जी जिन्हें शहादत थी हुई यकीनी तौर ते आसिफ अली जरदारी साहब ए बिलावल भुट्टो साहब ही जेके पार्टी के संभालन पे हन वक्त भी आन आया छा परसेप्शन चांडियो साहब देन चाहे तो जरदारी लीग छा अज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नजरियाती वर्कर आसिफ अली खान जरदारी से गड ना है छा फिदा हुसैन ढगन पीपल्स पार्टी जो मिडिल क्लास जो वर्कर ना है छा आजिज दामराव पीपल्स पार्टी जो वर्कर ना है छा सईद गनी पीपल्स पार्टी जो वर्कर ना है छा फैसल आबदी सवाल यो है तो खुदा के वास्ते जदे भी कें सियासी पार्टी ते तहां तनकीद कयो था तो खुदा जे वास्ते पांजो गिरेबान में जाती पाए दिसो तहां जो माजी छा रहयो आहे वो सिंध माण्हू को लिखियल कोन आहे आई सियासत जदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जिक्र कयो था न खुदा जे वास्ते आसिफ अली जरदारी साहब जा उहे जेके 11 साल आहन जेके जेल में उन काटिया हुआ उहे भी जिक्र कयो न तो पो तहां खबर पवंदी जरदारी चवण तो सोलो आ यो तो तहां चई था वणो आया तहां 4.5 साल जे अरसे में सोचियो आहे तो आसिफ अली जरदारी साहब जी सियासी बसीरत ही आए तो पंजाब में तहां वेठा आयो सिंध में असा वेठा आयूं एएमपी खैबर पख्तूनख्वा में वेठी आए बलोचिस्तान के अंदर उतर खोड़ सारा फोर्सेस वेठा आन जैसे परवेज मुशरफ जो जो जुल्म जबर हो मतलब इन मुल्क के मथा उन जबर ए जुल्म की तहां कें तरीके से तहां उनके जो मतलब कर सको मसले हल आसिफ साहब महसूस कर समझो तो न असि इन वक्त सब सियासी मैच्योर आयूं बशमूल मियाँ नवाज शरीफ तुम ऐसो तो शुरुआती दौर में उनको इतिहाद हो आया इतिहाद छो टुटो असा के पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी के एमपीएस के कढ़ो वो असं चाहूँ तो छो जो पीपल्स पार्टी इन वक्त भी आवाम के जड़ में मजबूत है पंजाब के अंदर केर यो खुशफहमी में गलतफहमी जो शिकार है तो पीपल्स पार्टी खत्म पी थे मां समझा तो जेस तई मुझे कामिल ईमान है पाकिस्तान जो आवाम पाकिस्तान जो गरीब पाकिस्तान जो मजदूर तबके जो मानू इन दुनिया इन धरती ते रहे तो पीपल्स पार्टी के केर को कौन दे सके अच्छा मां चाबो मां चाबो मां चाबो मां चाबो अने मी साहब दसो सवाल यो है तो पाकिस्तान जो आइन मु कौन ठायो है तहां कौन ठायो है खुदा जे वास्ते उन आइन जे तकदस जो ख्याल कयो असा चाहू था तमी मतलब त एक साइड बी करे अदलिया जे सामू बी करे ता पाकिस्तान जे आइन जो तकदस पैमाल ता करन चाहयो पाकिस्तान जे आईन दिसो बिल्कुल करे भाई बिल्कुल करे भाई अदलियत यहां के दिसो चौहान साहब ने दिसो मां 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 ही ही को पेपर खणी आयो हां छा ही पेपर पूरो आ के बुधायत पाकिस्तान जे आईन में आर्टिकल 248 ठीक है उनमें छा सदर के इम्यूनिटी हासिल ना है पर जे अगर ना है साईं क्लेम क्यों ना क्लेम छो पे देखो मेरे साहब कोर्ट में खड़ी ना क्लेम छो पे 48 के असा सुन जब क्लेम असा करू पिया ना जेके असा जे अगेंस्ट में पिटीशन जे भी दाखिल कई है छा अटॉर्नी जनरल बार बार इन शे के कोर्ट कोन पियो करे छा एतरा हसन इन शे के बार बार कोर्ट कोन पियो करे तो सवाल यो तो ब्रे आया आर्टिकल आईन खा भी बालातर का शे आए छा सुप्रीम कोर्ट मौको दिनो 16 दिसंबर 2009 तहां के याद आ तहां असेंबली में खणी वणो तहां इत्तेहादन को पास करायो तहां उआ शे भी कोन करे सकियो उनके देखो ना स्ट्राइक डाउन तो थियो ना केस तहां शुरू में या गाल नकंदा आयो 248 जी गाल त
तां आखरी में अची भी क्लेम कोन कयो, सिर्फ तां जी जिद ई आए त असां सियासी शहीद थियूं, हमदर्दी वोट तां जी कारगर्दी मीर साहब सियासी शहादत जी जेतरे कदर गाल आहे त अल्लाह जो शुक्र आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी तारीख शहीदन सां भरी पई आहे ऐं केर जेकॾहिं इन पहलू के तनकीदे अंदाज में बयान करे तो उनको जाती मौकुफ होंद मां उन कें भी सूरत में इतफाक करने तैयार ना आया जिते कि तहजी सवाल है मां अर्ज यो तो कर चाहें तो पाकिस्तान जिते जमहूरियत जमहूरी निज़ाम जमहूरी सरिश्तो पेरों दफो पाँ टेनियर पूरा करे पो आया मौजूदा ही अवामी जमहूरी हुकूमत ही आए न मिसाल जगह असि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर कर पाया वनों तो अपोजिशन जो गडियल नालो हो असि उनके करे छियो सी जेकर इदारन जी बालादस्ती तहां अज अस आयूं सुभाने बे को होंदो यकीन तौर ते जेस तई तहां जी पार्लियामेंट सुप्रीम कोन होंदी आवाम जो आवाज ताकतवर कोन होंदो तेस तई कहां भी तहां तब्दीली कोन आण सको ठीक हां हां सही जेकी गाल करे तो फखरुद्दीन जी इब्राहिम ते तबई पॉलिटिकल पार्टीज गडजी वयो एतरा इख्तलाफात इल्जामात करप्शन एक बे के चोर चोर करप्ट करप्ट चवण वो तारीख में भी हो हाने भी हो फखरुद्दीन जी इब्राहिम ते जरे इमदाद साहब ता वेओ था हन मुल्क जे लाए हन आवाम जे लाए हन धरती जे लाए तमा गर जेड़ा फैसला छो न था कयो इख्तदार ले लाए ता बिन पॉलिटिकल पार्टी जो कोशिशुन गजा भी आयो गजो भी था पर आवाम जे लाए गड़ कोन आयो मां बदाय साईं त फखरुद्दीन जी इब्राहिम जो जो को नालो हो सो असन जी पार्टी नो इन के बावजूद तो उन्हें माजी जो प्रोफाइल रो उन तालक वर्किंग रिलेशन जो थोड़ो घो रो वो पीपल्स पार्टी भुट्टे साहब को वी मोहतरमा तीन रो गवर्नर भी पर इन के बावजूद भी अस उन नाल न्यूट्रल मानू समझी जैसे पीपल्स पार्टी वाला मुतफिक थे तो यह सुठी गाल अड़े इशूज से अस गड वेही सूं था पर सवाल यो अगमें जिक्र हलो तो जमहूरत पंजाब के हवाले से अलग थी सूं मां तो समझा तो पंजाब गवर्नमेंट डिसमिस कई अस पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कार्यात को जो उनको अख्तियार वस हलियाँ तो कदें भी आराम से वेहन को देना जैसे सजी अस गवर्नमेंट डिसमिस क्यों खत्म क्यों तो अखलाकी किथे हुआ शह रही असि वाजे मौकुफ़ आ तो अदालत जो एहतराम किया वे कोर्ट जहाँ फैसला मना वन जमहूरियत के डीरेल न कर सिर्फ मुफाहमत ही काफी ना सब कुछ ब्रेक जो टाइम थोड़ा सा ब्रेक जो टाइम ब्रेक का कोर्ट सिर्फ पीपी जा केस थी रीओपन करे जेके ब्या केसेस हुआ उहे छो न था रीओपन थे नेम में जेके मियां साहब जा केसेस हाने इलेक्शन वेझो आई जेके खोलिया वन इन जे पोयो सियासी रांद या पॉलिटिकल गिमिक केड़ी ब्रेक का